गुड मॉर्निंग प्रभात क्लास, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स आई होप यू आर फाइन एट योर होम एंड यू आर अवेयर ऑल द सिलेबस ऑफ PT1 बिकॉज इन वेरी सून वी विल स्टार्ट योर PT. एंड स्टूडेंट्स वन मोर थिंग बिफोर PT आई वॉन्ट टू टेक योर टेस्ट रिलेटेड टू सम चैप्टर वन नेशनल इनकम. सो आई विल यू पीपल प्रिपेयर फॉर टेस्ट इन नेक्स्ट वीक. इट इज क्लियर. एंड स्टूडेंट्स आई होप यू हैव ऑलरेडी सीन ऑल वीडियोज रिलेटेड टू दिस चैप्टर. दिस इज चैप्टर नंबर 6, इनकम डिटर्मिनेशन. एंड स्टूडेंट्स इन इनकम डिटर्मिनेशन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. एंड दिस चैप्टर हैव 12 मार्क्स वेट इज इन द बोर्ड. एंड स्टूडेंट्स आई हैव एक्सप्लेन सम कंसेप्ट रिलेटेड टू दिस चैप्टर लाइक एग्रीगेट डिमांड. आई होप दिस इज क्लियर. C+I+G+X-M aggregate supply, because this is C+S+L, average propensity to consume and marginal propensity to consume, this is C/Y, and this is changing C/Changing Y. So I hope these concept you have already clear. Students, one more things, I hope you have clear conjunction function. Conjunction function, which is a function of income, it is a functional relationship between income and conjunction. So students, I hope you are aware in these topics, and we will study today your next topic, that is saving function. Students, today we shall study saving function. Saving function is a very very important concept. Students, like conjunction function, saving function is a have very very important according to point of view of board examination. Conjunction function and saving function both have 50% probability in board examination. बोर्ड एग्जाम में बेटा इसकी 50% probability है क्वेश्चन आने के, इसके 50% chances हैं. और 6 marks में आता है mostly. क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एक्सप्लेन द कंजप्शन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड शेड्यूल, और यू कैन से एक्सप्लेन द सेविंग फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सेविंग टेबल एंड शेड्यूल, डायग्राम एंड शेड्यूल. इट इज क्लियर स्टूडेंट्स. सो सेविंग फंक्शन इट इज ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन इनकम एंड सेविंग. बोथ इनकम एंड कंजप्शन बोथ आर फंक्शन ऑफ इनकम एंड सेविंग. इनकम विच इज डिनोटेड बाई वाई इज इक्वल टू इनकम का क्या होता है, आइदर इज कंज्यूम और आइदर इज सेव. दिस इज क्लियर. सो बोथ कंजप्शन एंड सेविंग डिपेंड ऑन द वाई, दैट इज इनकम. दिस इज क्लियर. सो कंजप्शन क्या था आपका, कंजप्शन इट इज ए फंक्शनल रिलेशन ऑफ इनकम. सो सेविंग इज ऑल्सो फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ इनकम. सेविंग भी किस पे डिपेंड है, इनकम पर. When income increasing, then consumption is also increasing. So when income increasing, then saving is also increasing. So students, you can say saving, this is a functional, and saving depend on income. If income increasing, then saving also increasing. If income decreasing, then saving also decreasing. So you can say saving or income both are related to interdependent. Saving defined income which are spent
आर नॉट स्पेंड ऑन कंजप्शन। सेविंग क्या होता है बेटा? इनकम का वो पार्ट जो हम कंजप्शन पे नहीं करते, जो हम कंज्यूम नहीं करते, विच इज नॉट एन सेविंग। तो सेविंग क्या हुआ? इनकम का वो पार्ट जो हम कंज्यूम नहीं करते। तो आप कैसे निकालोगे? सपोज दैट y इज इक्वल टू क्या होता है, c प्लस s, क्लियर। तो सेविंग निकालने के लिए क्या होगा आपका, s इज इक्वल टू c क्या चला जाएगा, इधर जाके माइनस में y माइनस c, इनकम में से कंजप्शन माइनस कर दो तो क्या बचेगा, सेविंग। इट इज अ फेमस इक्वेशन ऑफ सेविंग। दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? सेविंग फंक्शन क्या हुआ, सेविंग फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू सेव बोथ मींस इज शोइंग ए फंक्शनल रिलेशनशिप। किस किस की रिलेशनशिप? बिटवीन टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम। सो इट इज ए फंक्शनल रिलेशनशिप। Between total income and total saving. Students, I hope this is clear. I am repeated again that saving function showing a functional relationship. Saving function क्या show कर रहा है? It is a functional relationship between saving and income. What do you mean by functional relationship? This is a सेविंग इज डिपेंड ऑन दिस वन। सेविंग किस पे डिपेंड होती है? नॉर्मली इनकम पे। लोग सेव कब करते हैं? जब इनकम होती है, इनकम बढ़ती है। इफ इनकम इंक्रीजिंग देन सेविंग आल्सो इंक्रीजिंग, इफ इनकम डिक्रीजिंग सेविंग डिक्रीजिंग। सो आई होप दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, सिंस सेविंग कैन बी कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट करेंगे? कंजप्शन फ्रॉम इनकम, यानी कंजप्शन में से इनकम को डिडक्ट कर दो, वी कैन गेट इजिली सेविंग। आई होप दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। नाउ we can understand saving function by the help of equation. Students, we have linear conjunction function and linear saving function in your syllabus. Linear conjunction function means when income increasing at a constant rate and when saving is also increasing at a constant rate. So both income ka changing, conjunction ka changing and saving ka changing increase the constant rate, you can say linear conjunction curve and linear saving curve. So you can see some equation I have put here. Today is 16. Put here y is equal to c plus s. This is clear. C is equal to functional relationship between conjunction and function. Same, s is equal to functional relationship between y. So this is clear to students. One more thing, by the help of this equation we can calculate s is equal to y minus c. I hope this is clear to students. Visible है बेटा? Yes, everything is visible. Getting? So students, just recall you what are the saving conjunction function. बेटा conjunction function क्या था आपका? Yes students, I am waiting your answer. What was the conjunction function? Conjunction function was c is equal to c bar plus b y. I hope this equation you are remember. You people have remember beta, where b is equal to changing c upon changing y, or you can say MPC, marginal propensity to consume. I hope this is clear to students. So if y is equal to, you can see, if y is equal to c plus s, getting, s is equal to y minus c. This is clear students. अब आप saving function निकालने के लिए, we are talking about saving function. Saving function निकालने के लिए, we have put the, here is value of c. So, s is equal to y minus c के place में c का conjunction put कर दीजिए students. This is clear to students. I am repeated again. Place of c, we can put the equation. This is c bar plus by. This is clear. Then after equation को solve कीजिए, s is equal to y minus sign के अंदर multiply होगी. That is minus c bar plus minus minus by. I hope this is clear, students. For a take of common, we can write the same. S is equal to minus को c bar एक side ले लीजिए. प्लस का वाई
एंड माइनस बी वाई, क्योंकि हमने बिकॉज वी कैन टेक इजिली कॉमन फ्रॉम एयर वाई, वाई को कॉमन लेने के लिए. सो एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस, यहां से वाई कॉमन लिया, वाई के प्लेस पे क्या बचा, वन माइनस बी. आई होप दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट्स. सो दिस इज, आप वाई को लास्ट में भी लिख सकते हैं, और एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी वाई. आई होप दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स दिस इज अ सेविंग फंक्शन. यू कैन सी दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ कैन ड्राइव कंजप्शन सेविंग फ्रॉम द कंजप्शन कर्व. हम कंजप्शन फंक्शन से सेविंग कैसे ड्राइव करेंगे. वी कैन इजिली, वी नो दैट y इज इक्वल टू सी प्लस एस. आई एम रिपीटेड अगेन, y इज इक्वल टू सी प्लस एस. गेटिंग कैलकुलेट क्या करना है, सेविंग फंक्शन. सो s इज इक्वल टू y माइनस सी. दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट्स. और c का हमें पता है, c क्या होता है, c इज इक्वल टू कंजप्शन फंक्शन विच इज c इज इक्वल टू c बार प्लस बी वाई. ये कंजप्शन फंक्शन है, दिस इज ए लीनियर कंजप्शन, और इसी से हमें क्या ड्राइव करना है, सेविंग फंक्शन. तो नॉर्मली इक्वेशन को सोल्व कर दोगे आप, इक्वेशन सोल्व करने के लिए इसकी वैल्यू हम कहां पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू, सी फॉर कंजप्शन. कंजप्शन की वैल्यू आपने यहां पे पुट कर दी, इजिली आपने कैलकुलेट कर लिया, एस इज इक्वल टू वाई माइनस, पूरी सी की जगह आपने ये इक्वेशन रख दी, सी प्लस बी वाई, सी प्लस बी वाई, एस इज इक्वल टू वाई माइनस, इसकी माइनस की मल्टीप्लाई किया आपने, माइनस सी बार, दिस इज ऑटोनोमस कंजप्शन, माइनस बी वाई. दिस इज क्लियर स्टूडेंट. एस इज इक्वल टू, फॉर अ सेक ऑफ सिंपलिसिटी वाई को कॉमन लेना है, तो वाई को इधर ले जाएंगे, माइनस सी बार प्लस वाई माइनस बी वाई, वाई कॉमन लिया, एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस वाई वन माइनस बी. दिस इज अ सेविंग फंक्शन स्टूडेंट्स. दिस इज कंजप्शन फंक्शन, सी इज इक्वल टू सी प्लस बी वाई, और एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी वाई. दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स. इसमें एक सेविंग फंक्शन है और दूसरा आपका कंजप्शन फंक्शन. आई होप एवरी स्टूडेंट्स क्लियर दिस कंसेप्ट. ये न्यूमेरिकल 4 मार्क्स में आपसे आ सकता है ड्राइव करने के लिए. डेरिवेशन है ये, एंड डेरिवेशन कैसे आएगा, ड्राइव द सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजप्शन फंक्शन. बेटा ये आपका न्यूमेरिकल था, मैं आपको अभी इसी में डायग्रामेटिकल भी समझाता हूं. आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स. हेयर एस क्या है बेटा, सेविंग, माइनस सी बार अमाउंट ऑफ निगेटिव सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम. माइनस सी बार क्या हो गया आपका, भाई सी बार क्या होता है, ऑटोनोमस कंजप्शन, और माइनस सी बार क्या हो गया, निगेटिव सेविंग. आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स. You can see in a book. I hope this is clear to every student. And can I remove this? This is clear, students. Suppose that student in book one question has given. Suppose that conjunction function is as. Wait a second. Yes, conjunction function is given, and that is c is equal to 100 plus 0.8y. यानी देखो ये हुआ ना, c is equal to c के प्लेस पे 100 है plus b MPC 0.8 and y के प्लेस पे y. स्टूडेंट्स आई थिंक आप इससे भी अवेयर हैं कि एमपीसी ऑलवेज बिटवीन 0 to 1. एमपीसी कब आएगी, हमेशा 0 से 1 के बीच में इसका आंसर आएगा. सो यू कैन सी स्टूडेंट्स, कैलकुलेट करना है, ड्राइव द सेविंग फंक्शन.
क्वेश्चन समझ आया बेटा? कंजप्शन फंक्शन, यू हैव कंजप्शन फंक्शन एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस कंजप्शन फंक्शन वी हैव टू कैलकुलेट सेविंग फंक्शन. सो यू कैन से व्हाट इज सेविंग फंक्शन? एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी वाई. क्लियर है? सो एस माइनस सी बार यानी सी कितना है 100, तो ये कितना बन जाएगा आपका माइनस 100. दिस इज क्लियर. प्लस बी 0.8 है, 0.8 की जगह 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 0.2. तो 1 माइनस बी क्या आ जाएगा यहां पर 0.2 और y क्या आ जाएगा बेटा 0.2 किसके प्लेस पे आएगा 0.8 की. तो 1 माइनस 0.2 और y एज इट इज. नो 1 0.8 आएगा ना, b के प्लेस पे क्या आएगा 0.8. So, S इज इक्वल टू माइनस 100 प्लस 0.2 ये बनेगा. क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये क्वेश्चन क्या है आपका, सेविंग फंक्शन में से आपने कंजप्शन फंक्शन में से सेविंग फंक्शन को ड्राइव किया. आई होप दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट्स. नाउ टाइम हैज कम दैट वी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. This is clear to students. So I hope you are aware that conjugation function and saving function. So conjugation function is C is equal to C plus BY and saving function is equal to S is equal to. बस आपको जस्ट उल्टा करना है. C के प्लेस पे S, C bar का inverse क्या हो जाएगा minus C bar plus B का inverse क्या होगा 1 minus B और Y as it is आ जाएगा. So this is conjugation function और this is saving function. I hope this is clear to students. So now students, you are able to understand that we can derive saving curve from the example or table of schedule. This is clear to students. So for saving curve, we have to make a table. You can see here is y for income, which is denoted by y, then consumption, which is denoted by c. Same example रखो जो आपका पहले था, 0, 40, 0 से income start होती है, 40, then 80, then 120, then 160, then 200. This is clear to students. Income never start from 0. So 20 आपने लिया था उसमें, इनमें दोनों में 40 का डिफरेंस है, इसमें कितना रखेंगे 30 का. 20 plus 30, that is 50, then plus 30, 80, then 110, then 140, then 170. I hope this is clear to student. So this schedule you can, it is not new concept, you have already studied in conjugation function. I hope this is clear students. Now you can easily calculate saving. So students, for saving, which is S, you know S is equal to Y minus C. This is clear to students. So for y minus c, here 0 minus 20 is equal to minus 20. 40 minus 50 is equal to minus 10. 80 minus 80 is equal to 0. 120 minus 110 is equal to 10. 160 minus 140 is equal to 20. 200 माइनस 170 इज इक्वल टू 30 एंड सो स्टूडेंट्स. अगर आप इसको नीचे तक लेते चले जाओगे तो ऐसी इंक्रीज होती चली जाएगी 10, 20, 30, 40. सेम जैसे कंजप्शन आपका लीनियर है, सेम सेविंग भी लीनियर सेविंग करवा जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट्स. यू कैन सी दिस टेबल, वी कैन मेक
वाई सी और एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी. वाई फॉर इनकम विच इज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो जीरो देन 40 देन 80 देन 120 160 एंड 200. स्टूडेंट्स इन इनकम वी कैन टेक कॉन्स्टेंट डिफरेंस. कॉन्स्टेंट डिफरेंस से आपने इनकम को इंक्रीज किया. देन आफ्टर कंजप्शन वी कैन कंजप्शन फ्रॉम 20 करोड़ एट जीरो लेवल ऑफ इनकम बिकॉज कंजप्शन नेवर जीरो. It is possible that income may be zero but consumption never zero. So by the help of income and consumption we can easily calculate saving. Saving is equal to equation hai aapki y minus c because y is equal to c plus s. This is clear to students. Now we can put the diagram in this situation and we can easily calculate saving curve. क्लियर. दिस इज वाई एक्सिस और दिस इज एक्स एक्सिस. एयर मेजर करेंगे हम इनकम और इधर आज क्या कैलकुलेट करोगे सेविंग. स्टूडेंट्स आई होप दिस इज क्लियर. दिस इज ओरिजिन जीरो और आपको पता है कि जब भी आपका डायग्राम ये क्वार्टाइल होते हैं ये आपने मैथ में पढ़े होंगे ये पॉजिटिव होता है इधर निगेटिव होता है. चार बन जाते हैं इसमें एक्स एक्सिस जितने भी हैं ये लाइन ऐसे ड्रा कर लेते हैं. हमें इसकी और इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. आपका डायग्राम हमेशा या तो इसमें बनेगा या इसमें. आपको पता है कि यहां पर पॉजिटिव वैल्यू होगी और इसमें आती इसकी निगेटिव वैल्यू हो जाएगी. क्लियर. जीरो लेवल पे जब आपकी इनकम जीरो है कंजप्शन 20 कंजप्शन कहां से आपने स्टार्ट किया था इस कर्व से और ये क्या था बेटा आपका सी बार. दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट्स. आई होप यू रिमेम्बर यहां पर 20 था आपका और कंजप्शन लाइन आपने ऐसे ड्रा कर दी थी. दिस इज क्लियर. और इनकम आपकी कैसे थी ये इनकम थी y था और ये c था. आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स. और यहां पर आपका ब्रेक इवन पॉइंट था. ब्रेक इवन पॉइंट पर y इज इक्वल टू क्या था बेटा c. जहां पर y इज इक्वल टू c है आज डायग्राम में देखो y इज इक्वल टू c की सिचुएशन में s कितना आएगा जीरो. वेयर s इज इक्वल टू जीरो. आई होप दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट्स. एंड ये क्या है बेटा ये जीरो से लेकर यहां तक ऑटोनोमस कंजप्शन. क्लियर. तो कंजप्शन फंक्शन में क्या होता है आपका c इज इक्वल टू c बार प्लस बी वाई एंड सेविंग फंक्शन में s इज इक्वल टू दिस इज माइनस c बार प्लस वन माइनस बी वाई. आई होप दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट. सो दिस इज c बार इज ए पॉजिटिव कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम. जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो सी बार है दिस इज ऑटोनोमस कंजप्शन. दिस इज क्लियर टू. और ऑटोनोमस कंजप्शन ही आपका नेगेटिव सेविंग बन जाता है. व्हाई दिस इज नेगेटिव सेविंग बिकॉज एट जीरो लेवल ऑफ इनकम पे आपकी इनकम तो है नहीं लेकिन वो कंजप्शन है. वो कंजप्शन कहां से आ रहा होगा माइनस सेविंग. दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट. तो सेम एज जितना आपका ये वाला स्पेस है आप यहां पर आज जितना ये है उतना यहां पॉइंट लगाओ ये होगा आपका माइनस सी. अगर ये सी बार है तो ये क्या बन जाएगा यू कैन सी माइनस सी बार. आई होप दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट्स. अब माइनस 20 देन माइनस 10 माइनस 20 के बाद कितनी इनकम होगी माइनस 10 और फिर कितनी आएगी जीरो. यानी जहां पर y इज इक्वल टू सी है वहां पर सेविंग कितनी बनेगी आपकी. दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट्स. अब ऊपर वाली चीज को आप रिमूव कर दो क्योंकि हमें केवल इस डायग्राम में सेविंग दिखाना है. दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट्स. ये चीज समझ आई बेटा आपको. हेयर इज ओरिजन और हेयर इज ऑटोनोमस कंजप्शन विच इज नेसेसरी एट अ जीरो लेवल ऑफ इनकम. और ये जो ऑटोनोमस कंजप्शन होता है ये किसके इक्वल होता है निगेटिव सेविंग के. इस ऑटोनोमस कंजप्शन को भी हटा दो. ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था बिकॉज वी हैव स्टडी इन कंजप्शन फंक्शन. दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट्स. नाउ माइनस 20 इज सेविंग देन माइनस 10 मे बी अगर माइनस 20 आए तो माइनस 10 यहां होगा देन जीरो then 10 20 because here is major 20 20 40 60 80 100 100 and so on. So this is your saving curve.
एज फॉर सेविंग कर्व. स्टूडेंट्स हियर इज अगेन दिस इज व्हाट इज दिस दिस इज अ ब्रेक इवन पॉइंट बिकॉज एट अ दिस पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू जीरो एंड बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट कंजप्शन फंक्शन में क्या था उसी चीज का इन्वर्स है बेटा कोई नई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे बिल्कुल उसी चीज का इन्वर्स चल रहा है कंजप्शन फंक्शन में क्या था एस इज इक्वल टू जीरो या ब्रेक इवन पॉइंट से लेफ्ट साइड क्या था आपका लेफ्ट साइड था आपका यहां पर आ जाएगी आपकी नेगेटिव सेविंग और डिस सेविंग ये पोर्शन और ये जो पोर्शन बाद में आ गया ये निगेटिव फोर्स सेविंग है यहां पर भी यहां पर भी फिर आपका एस इज इक्वल टू वेयर वाई इज इक्वल टू सी जब वाई इज इक्वल टू सी है वहां पर आपका एस इज इक्वल टू जीरो हुआ यहां पर वाई इज इक्वल टू सी यानी ऊपर वाले डायग्राम में कंजप्शन कर्व ऊपर वाले में प्रीवियस डायग्राम में कंजप्शन और सेविंग बोथ इंटरसेक्ट टू ईच अदर वो सिचुएशन आ रही होगी और देन आफ्टर आफ्टर द दिस पॉइंट निगेटिव सेविंग के बाद क्या हुआ होगा आपका दिस इज दिस एरिया पॉजिटिव सेविंग पहले जीरो जीरो के बाद कितनी हुई होगी यहां पर टेन ये 10 हो गई होगी फिर 20 फिर 30 फिर 40 फिर तो जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती चली जाएगी सेविंग भी आपकी बढ़ती चली जाएगी तो दिस इज ए पॉजिटिव सेविंग दिस इज पॉजिटिव. स्टूडेंट्स आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन. स्टूडेंट्स इट इज द सेविंग फंक्शन शेड्यूल और डायग्राम दैट एज इनकम इंक्रीजिंग सेविंग ऑल्सो इंक्रीजिंग. क्लियर है जैसे जैसे सेविंग इनकम आपकी इंक्रीज हो रही है सेविंग भी इंक्रीज होती जा रही है पहले निगेटिव सेविंग थी फिर जीरो हुई फिर पॉजिटिव हुई यानी माइनस 20 से माइनस 10 आप देखो यहां से इंक्रीज हो रही है ये भी इंक्रीज हुआ है पहले माइनस 20 बहुत ज्यादा हम उधार लेके खा रहे थे फिर माइनस 10 हुआ फिर जीरो हो गया. एक सिचुएशन ऐसी आई कि जितना कंजप्शन था उतना इनकम हुआ नो सेविंग इस सिचुएशन में चलो सेविंग तो नहीं हो रही बट हमें बोरोइंग भी नहीं करनी पड़ रही और आफ्टर दैट आपने कंज्यूम जो है आपका कंज्यूम आपका लेसर देन हो गया इनकम से जैसे ही आपका कंजप्शन लेसर देन हुआ वो पोर्शन सेविंग में आने स्टार्ट हो गया. दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट. सो एज इनकम इंक्रीजिंग सेविंग ऑल्सो इंक्रीजिंग सेविंग कैन बोथ बी निगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव. ब्रेक इवन पॉइंट से लेफ्ट साइड क्या है आपकी निगेटिव सेविंग विच इज शो इन डायग्राम. डायग्राम में क्या है वो या तो माइनस टेबल में माइनस 20 और माइनस 10 और डायग्राम में ये सारा सेडिड पोर्शन लेफ्ट साइड का जो भी आपका बिफोर इससे जो पहले ये सब निगेटिव सेविंग और आफ्टर द दिस पॉइंट दिस इज पॉजिटिव सेविंग. पॉजिटिव सेविंग क्या हो जाएगी आपकी सेविंग कैन बी निगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव. प्रायर टू ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज निगेटिव एट ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज जीरो एंड आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग बिकम पॉजिटिव. सो आई होप स्टूडेंट्स दीज पॉइंट्स इज अ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दिस इज अ सेविंग फंक्शन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का सेविंग फंक्शन और टूमोरो वी विल स्टडी प्रोपेंसिटी टू सेव और टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव. देर आर टू टाइप दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. सो स्टूडेंट्स टूडे वी हैव डिस्कस देर आर थ्री कंसेप्ट. फर्स्ट इज टोटली वन कंसेप्ट दिस इज सेविंग फंक्शन बट वी कैन सेविंग फंक्शन ड्राइव इन अ थ्री सिचुएशन आइदर इज डेरिवेशन आइदर इज टेबुलेशन और आइदर इज डायग्रामेटिक. मैंने आपको 11th में बताया था तीनों चीज सेम चलती है इकोनॉमिक्स में. आप थ्योरेटिकल भी लिख सकते हो उसको टेबुलर प्रेजेंटेशन भी दे सकते हो डायग्रामेटिक भी दे सकते हो और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ साथ आप उसको मैथमेटिकल टर्म में डेरिवेशन भी दे सकते हो आप ड्राइव भी कर सकते हो सेविंग फंक्शन में से इजिली कंजप्शन फंक्शन से सेविंग फंक्शन ड्राइव कर सकते हो और सेविंग से कंजप्शन फंक्शन भी ड्राइव कर सकते हो. दिस इज क्लियर स्टूडेंट. सपोज दैट आपसे कोई बोलता है कि इस डायग्राम में से आप सेविंग का डायग्राम में कंजप्शन बनाओ तो वी कैन इजिली इस पोर्शन को यहां पे पुट कर दो यहां से हम स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे इसी के आप पैरेलल लाइन ड्रा करते चले जाओ ये क्या बन जाएगा आपका कंजप्शन कर्व.
क्लियर, बिकॉज बोथ ऑफ देम पैरेलल, सेम डिफरेंस होता चला जाएगा। तो यहां पे कितना डिफरेंस है दोनों में, फिर यहां पर, तो कंजप्शन में से आप सेविंग इजीली कैलकुलेट कर लोगे और सेविंग में से कंजप्शन। बस ये वाला आपको ध्यान रखना है, जीरो लेवल से ऊपर जो रहेगा दिस इज ऑटोनोमस कंजप्शन और ये जो रहेगा दिस इज निगेटिव सेविंग। क्लियर बेटा, निगेटिव सेविंग भी होती है जब आपका इनकम जीरो हो जाती है या इनकम आपकी कंजप्शन से कम होती है। सो स्टूडेंट दिस इज सफिशियंट फॉर टूडे, टुमारो वी विल डिस्कस एपीसी एंड एमपीएस। थैंक यू सो मच, और स्टूडेंट्स वीडियो को हैंड टू हैंड देख लिया करो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।